क्या चल रहा है? काहे के लिए पिलाया जा रहा है? गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी जलती हुई आग में उनको औरंगजेब ने जला दिया था चूल्हे पे। अच्छा, मई का महीना था, बहुत गर्मियों का। अच्छा, शहादत पे ये छबील का सेवा चला। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों अभी मैं गाड़ी में हूँ और गाड़ी चल रही है। मैं जा रहा हूँ अपने बच्चों के पास, मतलब अपने ससुराल जा रहा हूँ। प्लान है अभी कहीं घूमने जाने का, देखते हैं उन्होंने कहाँ का सोची है घूमने के लिए। तो अभी मैं अपने गोलापार में ही हूँ, अभी स्टार्ट ही किया है मैंने यहाँ से निकलना। मतलब गर्मी इतनी तेज हो गई है कि एसी भी फेल हो गए हैं। एसी के विंडो में जाना ही पड़ रहा, मतलब ऐसे करके ना, ऐसे करके हवा लेने के लिए, तब जाके थोड़ी सी ठंडी हवा आ रही है। जी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, काहे के लिए पिलाया जा रहा है? गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जिन्होंने तवे पे कुर्बानियां दी थी, जलती हुई आग में उनको औरंगजेब ने जला दिया था चूल्हे पे। अच्छा, मई का महीना था, बहुत गर्मियों का। अच्छा, शहादत पे ये छबील का सेवा चलाई जाती है। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात। चलिए मिलते हैं, थैंक यू। जगह जगह चलाई जाती। तो फाइनली हम पहुँच गए किच्छा बाईपास में, और यहाँ से मैं ले लूंगा अपनी गाड़ी को राइट साइड को। और यहाँ पर बन रहा है किच्छा का रोडवेज बस अड्डा, बहुत सही जगह में बना हुआ है यार, ये बाईपास पे ना। अबे ट्रक में धूल कैसे आ रही है यार, ये धूल क्या, आधा हो गया ट्रक, मिट्टी उड़ गई भाई। अब कुछ ही देर में मिठी टुकू मेरे से मिल लेंगे, क्योंकि हमारा ये आ गया यार। लेकिन मैं ब्लॉग बनाते बनाते आगे पहुंच गया भाई। और दो या तीन मिनट में टुकू और मिठी और भी जो बच्चे हैं उन सब से मिलना हो जाएगा, तो बड़ा ही मजा आएगा। फिर देखते हैं कहाँ का प्लान बनाया है उन लोगों ने घूमने का, तो वहाँ को चल देंगे हम। अरे गर्मी कुछ कितनी भी हो यार, हम झेल लेंगे, बच्चे अगर खुश हैं तो हम खुश हैं। क्यों गाइस, फाइनली हम पहुँच गए हैं। देखो अभी बच्चे को पता चल जाएगा मैं हॉर्न मारूंगा तो। गाड़ी धुल के रेडी है भाई, प्रमोद की, हमारे साले साहब की गाड़ी धुल के रेडी है। ये डग्गू आ गया मिलने भाई, डग्गू मिलने आ गया। ऐसा क्या कर रहा है यार, इतनी याद आ रही क्या है, इतनी याद आ रही। गजब ही कर दे रहा है यार, तो मेरे से दूर मत हुआ करना जब इतनी याद आती है तो। रेडी नहीं हुए, ऐसे ही चल देंगे यार घूमने, तो घूमने ही तो जाना है। डैम जाना है हमको। डैम का प्लान है, वो तो दूर पड़ेगा यार। चलो ठीक है, पता नहीं हमें कैसा था, मैं बड़ा बोझ सा बंदा भाई, आ जाएगा कॉपीराइट। और मैं वहाँ से भाग भाग के आ रहा हूँ, स्पीड में आ रहा हूँ, और ये लोग रेडी नहीं हुए हैं, अब रेडी कर रहे हैं। हेमंता नमस्कार, सत श्री अकाल, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। क्यों इतनी जल्दी? फिर कितनी जल्दी? 2000 साल तो होने चाहिए। हाँ, अभी जहाँ हम जा रहे हैं घूमने वहाँ से वहाँ का भी करेंगे ब्लॉग। उसके बाद जहाँ पे रियल है वहाँ पे गुन्नू जी गई नहीं है, और साकू भी आई है। कल ही शाम को तो आई, कल आ गई थी। शाम को हमने मोमो और चाउमीन दोनों खाई यार। आपको पता वो जो आया ना 20 रुपए के 8 मोमो दे रहा है, 20 रुपए के 8। अब खरीद लेने थे हम, भेज देते उसे, खरीदे तो हम, मैंने खाए। अरे मोमो मिर्च हो रही थी, इतनी मिर्च हो रही थी, क्या बताऊं। चाउमीन पे तो मम्मी हो रही थी, और मीठी यहाँ इतनी गर्मी में सोई पड़ी है। अरे आज इतनी गर्मी में धूप में खा लिया पूरी पूरी में, काली काली काली। अभी मैंने तेरे को पहचाना नहीं है यार अभी। अरे अभी क्या, अभी तो आई हूँ मैं धूप से, धूप में रहती होगी आपके लिए गई थी मैं। ये अब इसमें तेल लग जाएगा इसके टी शर्ट में। ससुराल में आती पार्टी शुरू हो गई है, और ये देखिए हमें कोल्ड ड्रिंक मिल चुकी है, इससे पहले पानी मिला था। तुम सब इसमें बैठोगे? हाँ। क्या बात है, तो मैं कहाँ बैठूंगा, मुझे नहीं खिलाई यार चीची, वो मुझे दे देना, वो ये वाला खिला दे यार, भूख लग गई भाई। मैंने 10 बजे खाना खाया था यार, तब से खाया नहीं है कुछ। क्या कह रहे हो, बताओ। पहले आगे मैं जाऊंगा ना, रास्ता बताओ। आप ही जाओगे। एक गाड़ी हमारी ये जा रही है, K10 है ना, और एक हमारी गाड़ी जा रही है ऑल्टो, जो एवर ग्रीन गाड़ी हमारी हमेशा हमेशा ऑल टाइम। ये डुगू मेरा ख्याल लगता है भाई साहब, क्या खिलाया है, देने में थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है। पापा को दे दो, मम्मी को दे दो। दोस्तों तो हम फाइनली यहाँ नेशनल हाईवे में चल रहे हैं अभी, और रुद्रपुर की ओर जा रहे हैं, तो वहीं से हम आगे को जाएंगे अथरजट्टा होते हुए गुलरभोज की तरफ, दिनेशपुर और चक्की मोड़ वगैरह। और ममता यहाँ पर एक्टिंग कर रही है, और जो दूसरी गाड़ी जा रही है हमारी वो उधर जा रही है।
ये हवा आ रही नहीं पीछे, ये जो दूसरी गाड़ी है इसमें हम अभी भरवा रहे हैं पेट्रोल। मैं तो वहीं से भरवा के ले आया था अपने गोलापार से, एसआर पेट्रोल पंप से। और उधर देखो, उधर हार्दिक को और जागृत को पीछे बैठे हैं डिग्गी में, क्योंकि डिग्गी में ठंडा रहता है ना, वहाँ पर पानी और बर्फ वगैरह भी सब है। झूठ बोलते हो, फसीने फसीने हो रहे। यह है अशोक लेलैंड का एरिया, बहुत फैला हुआ है आगे, पूरे खेत ले रखे किराए में, पता तुझे। दोस्तों हमारी ये जो सेकंड गाड़ी थी ना टूर में जाने वाली, वो हो गई खराब। अब इसमें गियर ही नहीं पड़ रहे, इसका जो गियर लीवर है ये पूरा खराब हो गया, तो गियर ही नहीं लग रहा है यार। टुक टुक कर लेंगे भाई। यहाँ पर हो रही है हमारी गाड़ी सही, अभी मिस्त्री बुलाए हैं मैकेनिक, और सारे जितने हमारे टूरिस्ट हैं ना, घर के टूरिस्ट हैं, ये सब बेचारे परेशान हो गए यार, इनको पसीना हो गया हमारे यार, छोटे ये छोटे बच्चे यार, ये परेशान हो गए यार। हैं डैम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, गाड़ी कितनी देर में ठीक होगी ये तो आप मिस्त्री बताएंगे। तो कुल मिला के अभी कुछ यहाँ गाड़ी में बैठे हैं, तो देखते हैं कितनी देर में सही होती है। आए हम एक्सल लेने, एक्सल उसका पूरा खराब हो चुका है, और मारुति के शोरूम में आए हुए हैं, यहाँ पे उदयपुर आए हैं अभी वापस, और बच्चे सब वहीं हैं, सब परेशान हो गए हैं यार। जा रहे हो अभी भी जाएंगे? दोस्तों फाइनली हमको मिल चुका है वो जो एक्सल लेने गए थे, ले आए। तो लोगों कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है घूम के, कहाँ कहाँ घूमे बताओ? यहीं पर बैठे थे हमको। अच्छा, ऊपर एक लड़की हमको ऊपर बुला रही थी। दो तीन मिनट में निकल जाएंगे हम यहाँ से, दो तीन मिनट में निकल जाएंगे। कहाँ क्यों जाएंगे? जाएंगे 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 ये तो क्या ही पूछ? हाँ, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम तो जाएंगे, इन गाड़ी वालों से पूछ लो, ये जाएंगे नहीं। अब जाके गाड़ी सही हुई, अब जाएंगे हम डैम, ठीक है? चले बैठना। अब अरे क्या लेके आ रहे हैं? अरे पूरा जलाशय। खुश हो गए बच्चे यार, खुश हो गए। वो जो हमारी गाड़ी खराब थी वो तो वहीं है, और हम लोग आ गए, बाकी दो लोग तो वहीं हैं हमारे, तो और बाकी हम सब आ गए यहाँ पे, क्योंकि इनको दिखाना जरूरी था ना, इन्होंने डैम नहीं देखा था ये। क्या बात है यार, क्या सीन आ रहा भाई। गौरवी कैसा लग रहा है बच्चा? अच्छा लग रहा है? गुनगुन पहली बार आ रही ना है, कैसा लगा? ओए होए क्या सीन आ रहा भाई। पहले ये नहीं लगे थे यार रेलिंग। फाइनली हम सबका सपना पूरा हो चुका है, हम तो आते रहते हैं वैसे छोटो को, और जो नहीं आए थे उन लोगों का सपना पूरा हो गया इतना देख के। हालांकि वोटिंग अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि वोटिंग बंद हो जाती ना। दोस्तों हम लोग हमने यहाँ पर घूम लिया है थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं घूम पाए क्योंकि लेट हो गए थे ना बहुत ज्यादा, तो अब हम थोड़ी देर में नहीं, अब निकल ही रहे हैं क्योंकि फोटो वगैरह खिंचवा लिया हमने बच्चों के साथ, जो फोटो वोटो खिंचा लिया, और ये मन्ना नहीं आया था ना हमारा हार्दिक, इस वजह से इसको घुमाने लाए थे लोगों को। ये अगली बार आएंगे तो बोटिंग वगैरह करेंगे, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है जो क्या कहते हैं उसे बैराज, वहाँ जाएंगे, ठीक है? ठीक है उन्ना, चलो फाइनली अब हम जा रहे हैं कहाँ को? घर को। उससे पहले हम खाएंगे क्या? गोलगप्पे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अब वहाँ से आ गए हैं, और अभी हम हैं ये देवरिया में, एक रेस्टोरेंट है दरबार रेस्टोरेंट, हमारे पहाड़ से ही हैं, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, तो यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पर डिनर कर रहे हैं, और ममता की हो गई है तबीयत ख़राब, वोमिटिंग वगैरह है। ममता खाना तो खाएंगी आप? और यहाँ पर हमारा पूरी फैमिली बैठ चुकी है खाने के लिए, किसी के बच्चे परेशान कर रहे हैं, किसी के बच्चे खुश रहे। अरे वाह क्या बात है,
अगर आपका आज ये खाना हमें टेस्टी लगा ना, हम गोलापार से ही आएंगे एनिवर्सरी करने। तो दोस्तों ये था व्लॉग हमारा ससुराल टू मिनी गोवा, मतलब गुलरभोज डैम का जो व्लॉग आपने देखा। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।